खबर बड़वानी से। सेंधवा में निकाले गए रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने वालों के मकानों को पत्थरों में बदलने की कार्रवाई प्रारंभ। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और पुलिस अधीक्षक ने संभाला मोर्चा, स्पष्ट कर दिया किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वीडियोग्राफी देखकर चल रही दोषियों पर कार्रवाई। सेंधवा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव कर जिले में सद्भावना बिगाड़ने वालों के मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई सोमवार से शुरू हुई। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में भारी पुलिस बल की उपस्थिति में जेसीबी और अन्य संसाधनों से आरोपियों के पक्के दो मंजिला मकानों को चंद मिनट में पत्थरों में बदल दिया गया। अधिकारी ने किया स्पष्ट, वीडियोग्राफी में जो भी आरोपी दिखाई दे रहे उन्हें किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। सभी आरोपियों के मकानों को इसी प्रकार ध्वस्त करेंगे। सेंधवा में रविवार की शाम को निकाले जा रहे रामनवमी के जुलूस पर जोगवाड़ा रोड पर पथराव करने में सम्मिलित समरखां का दो मंजिला पक्का मकान सोमवार की कार्रवाई के दौरान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। समरखां पर 5 आपराधिक प्रकरण पूर्व से ही दर्ज है। उनकी माता श्रीमती रुकैया बी नगर पालिका में पार्षद हैं। इस प्रकार सोमवार की कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं के भी पक्के मकान को जमीन दोस्त कर दिया गया। ये दोनों महिलाएं भी कल हुई पत्थरबाजी में सम्मिलित थी। कल जो सेंधवा में जोगवाड़ा रोड पर है, यहाँ पर रामनवमी के जुलूस निकलते समय पत्थरबाजी हुई। अभी शांति व्यवस्था भंग की गई और लोगों ने बार बार ये कृत्य किया जा रहा है। पहले भी इस रोड पर ये घटना होती रही है, हर बार लोगों को समझाते हैं तब भी नहीं मानते हैं। अब शासन ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा और इसी का ये परिणाम है। हम लोगों ने जो इनको ऐसे जो उपद्रवी लोग हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है और आज उनके मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 3 मकान तोड़े जा चुके हैं। अभी 3 मकान तोड़े गए हैं, हमारे लोग चिन्हित वाला कर रहे हैं, लगातार चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ मकान और भी तोड़े जा रहे हैं, जाना है आज ही, और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा कि जो शांति भंग करेंगे उनका यही हाल होगा। सर, इस क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लगातार वारदातें हो रही हैं? पूरे जिले में ये होगा, ये सेंधवा में भी होगा और अन्य जगह भी कोई इस तरह का उपद्रव करेंगे जो शांति भंग करेंगे उनका यही हाल होगा, उनके मकानों को मलबे में तब्दील किया जाएगा। देखिए, कल शाम को जोगवाड़ा रोड जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वहाँ पर एक सांप्रदायिक तनाव की घटना हुई थी, पथराव की वारदात हुई थी। उसके बाद से ही लगातार जैसा हम लोग कल परिस्थितियों को नियंत्रित करने में लगे थे और आज हमारी सुबह से कार्रवाइयाँ अपनी अलग अलग जारी हैं। इसी क्रम में जो उपद्रवी थे, जो बलवाई थे, उनके घर चिन्हित करके अभी तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर हमने 4 घर अभी तोड़े हैं और ये प्रक्रिया अभी जारी है। यहाँ पर सर कितने मकान तोड़े जाएंगे? अभी 4 हमने किए हैं, जैसा मैंने कहा कि एक एक करके जैसे जैसे हम चिन्हित करते जा रहे हैं और जो हमें समय अभी अलाउ करेगा उस हिसाब से हम ये कार्रवाई अभी जारी रखें। उपद्रवियों की चेतावनी देखिए हमारी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बहुत स्पष्ट है, कानूनी कार्रवाई तो है ही। इसके अलावा जो उनको अवैध रूप से उन्होंने संपत्तियाँ अर्जित की हैं, जो उनके अवैध कारोबार हैं उन पर चोट पहुँचानी है। जहाँ से पत्थर आते हैं उन घरों को जमींदोज किया जाएगा, जो भी अवैध निर्माण है उनको ध्वस्त किया जाएगा और सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करनी है, तो उसी दिशा में प्रशासन हमारा काम कर रहा है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।